भिखारी बन बन के आया हूँ, सरापा फकर हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन बन के आया हूँ, सरापा फकर हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिरसो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भीत चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी इसी आओ गफलत की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुर्दा, इरादे मुजमहिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि इस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ही के बस जल भुन के अपनी रूह से आही सी, सरापा फक्र बन कर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब जुबों हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, ये तेरा घर है तेरे मेहर का दरबार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बारक अल्लाह, तकब्बल अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जनाब मोहतरमा सहर आज़म की खूबसूरत आवाज़ से आज का
प्रोग्राम शुरू किया है और सूरह निसा में जो ये हुक्म मेरबानी है उससे आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने की सआदत हासिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज मुसलमानों पे वक्त बांधा हुआ यानी वक्त मुकर्ररा पे फ़र्ज़ है। आज हम ईमान के बाद जो सबसे अहम फरीज़ा है यानी कि नमाज, उसके ताल्लुक़ से कलाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के मैंने तो जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी बंदा कैसा होना चाहिए? हर वक्त मुती, फरमा बरदार, आजिज। काम कोई भी हो, माँ सिवा अल्लाह से बचना है और खालिसन लिवजिल्ला, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए करना है। और जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, वो मुराकबा, आपने सुना है ना कि ध्यान लगाना, टू कॉन्सनट्रेट, और किसकी तरफ? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। तो ये ध्यान, ये लॉ लगाना, ये तवज्जो इल्लाह, यही तो मुतकाजी है शरीयत मुतहरा हमसे। तो आज जनाब हम बात कर रहे हैं नमाज की। कितना बड़ा शरफ है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी कर रहा है। जब बंदा मोमिन कल्ब में, जहन में इस बात को रासिख कर ले, पक्का कर ले, मजबूत कर ले कि मेरा ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ गया है, तो फिर वो नमाज इखलास के साथ पढ़ता है, खुलूस के साथ पढ़ता है, फिर वो अपने मखारिज का भी ख्याल करता है, फिर वो जनाब किरात का भी ख्याल करता है, फिर वो जल्दी जल्दी नमाज नहीं पढ़ता, फिर वो पूरे खुशू व खुदू के साथ नमाज अदा करता है। आज हम नमाज की अहमियत पे, इसकी फजीलत पे, इसके हुक्म पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा और नमाज किस तरह हम सब की सिफारिश करेगा बरोज़े महशर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आज मेरे साथ ऑन द सेट जो मेहमान स्कॉलर्स मौजूद हैं, माशाअल्लाह, मैं इन दोनों के हवाले से कहती हूँ कि ये सैर हासिल जामे और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे दाएं जानिब डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, अस्सलामुअलैकुम। और मुझे बड़ी मसरत होती है जब मैं आपको डॉक्टर कहती हूँ। और माशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि एक तवील अरसे से आप भी शोबाए दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं और इन्हें डॉक्टर कहना भी मुझे बहुत महबूब है। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह जब आप बोलती हैं तो नपातुला और इतनी प्यारी गुफ्तगू होती है कि हम इनके मद्दा हो जाते हैं। हमारे साथ जनाब डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा भी, प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा भी इनफैक्ट मौजूद हैं। सलाम अर्ज करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप? जी माशाल्लाह जनाब, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आपकी मुनफरिद और खूबसूरत आवाज़ ही से आज के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। हम आपको वेलकम करते हैं, हम आपको सलाम अर्ज करते हैं। मोहतरमा सहर आज़म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? माशाल्लाह सलामत रहिए। अपा मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आपकी समताएँ और ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा यानी नमाज के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, इसकी अहमियत और फजीलत पे कलाम फरमाइए। शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, वाकीमु सलात वातु ज़कात वरकउ मा राकीन, सदकल्लाहु मौलाना लज़ीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब हमने खालिक व मालिक मान लिया तो अब उस मानने के कुछ तकाजे हैं। वो तकाजा क्या है कि हम वाकई उस मालिक के सामने ग़ुलामों की तरह खड़े हों, मानवी तरीके से भी, ज़ायदी तरीके से भी। हाथ बांध कर आप जब क़याम में खड़े होते हैं तो तसव्वुर अगर ये कर लिया कि उस मालिक के सामने एज़ आ ग़ुलाम, एज़ आ अब्द हमें खड़े होना है, उसका हुक्म बजा लाना है, उसकी हर बात की जो उसने कह दी है उस पर चलना है, तो ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी के, हमारी दुनिया के तमाम उमूर में ये रंग नज़र आना चाहिए। नमाज तसीलुल इबादत है, नमाज सिखाती है कि तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। सुभानअल्लाह। नमाज जैसे आप तसीलुल इमला किसे कहते हैं, आप बच्चे को सिखाते हैं ना तो वो डॉट से लिखना शुरू करता है, अल्लाह और लिखना शुरू करते करते वो उस पर आ जाता है कि लिखते कैसे हैं। जी जी। तो नमाज दिन में पाँच वक्त की फ़र्ज है, पाँच दफ़ा जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए उस ताल्लुक़ और मोहब्बत के साथ, उस अबूदियत के रिश्ते को मुस्तहकम करते हुए, तो यही रंग हमारा मस्जिद में, बाजार में, लेन देन में, हर जगह नज़र आना चाहिए कि वही खालिक व मालिक है और उसके अहकामात की पाबंदी करनी है। नमाज की अहमियत का इससे भी पता चलता है जो आपने भी जिक्र किया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब,
व यकीमुन सलात, ईमान की कसौटी नमाज है। ईमान के फौरन बाद जिक्र आ रहा है कि अब अगर ईमान वाले हो तो अमलन उसका इजहार करो, तुम्हारी सीरत से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे अमल से पता चलना चाहिए कि ईमान वाले हो। फिर आप देखें तो वाकई मुसलात का जिक्र आता है, जगह जगह पढ़ने का नहीं, उसको कायम करने का। और कायम करने से क्या मुराद है कि इतनी आदत हो जाए कि तुम्हारा जान पर भी बनी हो, हालत जंग में हो, खौफ में हो, जिस हालत में भी हो, नमाज नहीं छोड़ो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज हर सूरत में अदा करनी है। फिर ये नहीं कि जाहिरी हरकात बल्कि बातनी आदाब के साथ अदा करनी है, ये उस नमाज का तकाजा है। और तीसरा वही कि उस नमाज को मुआशरे में हर रंग में तुम्हारे अमल से नजर आना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारी बात की कि ये अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक को मजबूत करती है। और बंदा वो जिस तरह माँ सिखा रही होती है कि चलना, तो ये जो परवरदिगार 70 माओं से ज़्यादा हमसे, एक 70 तो वैसे मुताद के लिए, कसरत के लिए अरबी में आता है, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, उससे ताल्लुक की मजबूती के लिए, उस रिश्ते को उस्तवार करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, उसको कायम कर रहे हैं। इस ताल्लुक को मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब आप बयान फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए निदा, जब बंदा अल्लाह की अतात और बंदगी को अपना सरमाया हयात बना लेता है तो उसे बगैर तिजारत के हर जगह से मुनाफा मिलने लगता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के नेक बंदे वो हैं जिन्हें नर्म गुदाज बिस्तर भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रखते। बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खुद भी नमाज पढ़ो और अपने अहलो अयाल को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के अमाल में सबसे पहले फ़र्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। तो देखिए निदा, नमाज मोमिन की जीत और शैतान की शिकस्त है, अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन जरिया है, रज़ाए इलाही का सबब है, क़ुर्बे इलाही का जरिया है, आँखों की ठंडक है, जन्नत की कुंजी है। और नमाज जब हम 5 वक्त की खुशू के साथ अदा करते हैं तो इंसान रहमान के करीब और शैतान से दूर हो जाता है और अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबदीन घर में नमाज़ पढ़ रहे थे, आपने ताल्लुक़ की बात की कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है, तो घर में आग लग गई। लोगों आए कहने के, हज़रत आप तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपके घर में तो आग लग गई। तो इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया कि आखरत की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा। इसी तरह जब हज़रत इब्ने अब्बास के जवान बेटे का वसाल हुआ तो नमाज में मशगूल थे, जब लोग उन्हें उसके बेटे को दफना कर आए तो लोगों ने आके वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि सजदों की तवालत, नमाज की मशगूलियत, और नमाज में जो सुरूर और कैफ मुझे मिल रहा था उस सुरूर और कैफ ने मुझे मेरे बेटे के गम से गाफिल रखा। इसी तरह साबित बनानी अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह तो किसी को कब्र में नमाज पढ़ने की दौलत नसीब फरमा तो ये दौलत मुझे दे। जब उनका विसाल हुआ और उम्मे सन्नान जो थे दफनाने गए लोगों के साथ, जब दफना कर आ रहे थे तो कब्र की ईद गई तो देखा कि वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। जब सुबह घर गए और उनकी बेटी से पूछा तो उन्होंने कहा 40 साल तक शब बेदारी की और हर नमाज में रो रो कर दुआ करते थे कि अल्लाह किसी को तू कब्र में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे तो यह दौलत मुझे नसीब फरमा। तो नमाज से हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह की रजा खुशनुदी हासिल होती है, तो अल्लाह हमें ऐसी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा कि हम अल्लाह को देख रहे हैं और अल्लाह हमें देख अल्लाह अकबर। एक ब्रेक ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ARYQ TV पे ये रूहानी ट्रांसमिशन जिसका सरनामा है नेमत इफ्तार, और उसका आगाज़ होता है जनाब, यानी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ होता है ख़वातीन के सेगमेंट से जिसका सरनामा है माहे रमज़ान और ख़वातीन। और जनाब आज हम बात कर रहे हैं, यानी ये माहे रहमत है और हम बात कर रहे हैं नमाज की फजीलत और अहमियत के ताल्लुक से, इसकी फर्जियत के ताल्लुक से। और हमारे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स मौजूद हैं, हमारे साथ आपकी पसंदीदा सनाख्वां भी तशरीफ़ रखती हैं। मैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहबा आपकी समताऊँगी। और नमाज जो कि जिस्मानी पाकिजगी का भी ज़रिया है और रूहानी बालिदगी का भी ज़रिया है, इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? शुक्रिया। देखिए, दिन में 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने के लिए बावजू होना पड़ेगा और बावजू होते हुए आप खुद ब खुद एक तहारत हासिल करते हैं
जिससे बहुत सी बीमारियां जाहिरन भी दूर होती हैं और बातिनन भी दूर होती हैं। फिर नमाज नूर है। अभी आपने भी शुरू में जिक्र किया कि अल्लाह ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हम किसी मकसद के लिए कोई चीज़ लेते हैं और अगर वो मकसद उससे पूरा ना हो तो उसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। हमने पेन खरीदा, अगर पेन लिखने का काम नहीं करता तो क्या करेंगे, उठा के फेंकेंगे। तो इंसान को बनाया अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए और इबादतों में सबसे बड़ी अफजल इबादत उसके जिक्र की आला तरीन सूरत नमाज है। तो आप गौर करें, जब वो अपना मकसद, जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया, वो मकसद अदा ना करे तो उसकी जगह कहाँ हुई। तो नमाज नूर है, रोशनी है। कैसी रोशनी है? आप अंधेरा होता है ना तो कोई गढ़े नजर नहीं आते, आप गिर जाएंगे अंधेरों में। रोशनी होती है तो गढ़ा नजर आता है, इंसान बच के गुजरता है। अल्लाह नमाज गुनाहों के गढ़ों में गिरने से बचाती है। अल्लाह ने फरमा दिया इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। ये बातिनी तौर पर ऐसी सीरत व किरदार की तामीर करती है कि इंसान बुराई से, बेहयाई से रुकता चला जाता है, अखलाकी अकदार परवान चढ़ती हैं उसके अंदर, और ऐसे अफराद मिलते हैं तो एक साले नेक मुआशरा वजूद में आता है जिसमें हर तरफ अदल और इंसाफ होता है, प्यार मोहब्बत अमन और सुकून होता है। फिर नमाज नूर है, चेहरे का नूर है, दिल का नूर है, बातिन का नूर है। ये नमाज दीन का सतून है और नमाज का सतून खुशू व खुजू है। क्या बात है। और वो खुशू व खुजू कैसे आता है कि जब अल्लाह की बारगाह में आप हाजिर होकर, आपने भी उसका जिक्र किया कि अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, किसकी बारगाह में हाजिर हैं, ये तस्वुर ही पुख्ता हो जाए कि हम किसके हजूर खड़े हैं, तो इंसान की तबीयत पे, मजाज पे, उसके जिस्म पे वसाविस आते हैं, ध्यान नहीं लगता, सारे काम याद आना शुरू हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इसीलिए फिर कि अगर आप ये समझ लेंगे जहन में, कल्ब में, शऊर में ये बात रासिख होगी कि अल्लाह से बात हो रही है जनाब, तो हम आम दुनियावी जो बॉस होते हैं उनके सामने किस तरह, यानी बिल्कुल ही अलर्ट होते हैं। बच्चे तो देखिए, टीचर आ जाए तो अलर्ट हो जाएंगे, वालदैन के सामने हम रुक जाएंगे बिल्कुल गलतियों से, तो उस अल्लाह की बारगाह में खड़े होना। और इमाम हसन अलैहि सलाम का कौल है कि तीन चीजें मुझे दो तो नमाज कायम होगी, वो बातिनी आदाब भी है, वो क्या है कि आंख से बहते हुए आंसू, जैसे जिस्म किबला की तरफ है ऐसे दिल भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और जिस्म पर वो कैफियत तारी हो। क्या बात है। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है और आपकी आदत करीमाना है और आपकी आंखों की ठंडक है नमाज, तो जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि नमाज को लाजिम पकड़ ले। मैं चाहती हूँ कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर हदाया अकीदत पेश करें। देखिए, आपने कहा कि नमाज जो है वो हमें जीने का करीना सिखाती है और नमाज हम खुशू खुशू के साथ इस तरह पढ़ें कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं। देखिए, वहाँ नमाज ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त भी पैदा करती है, वहाँ नमाज हमें अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करती है। हम दुनिया की बुराइयों से मुंह मोड़ कर अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाते हैं कि हमारा अल्लाह एक है। जब वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी उसकी मोहब्बत का हक अदा करने के लिए पाँच वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए। आप एक कलाम शामिल कर लें, फिर आपसे सवाल इस हवाले से शामिल करते हैं। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जा अपनी गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, अपनी गर किधर जाऊंगा, या या
رسول اللہ آپ نے گرنا سنبھالا تو کدھر جا اتنا مانو مجھ کو قدموں سے کیا دور مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جا گزر جا نعت پڑھتی ہوئی میں پل گزر جا اپنی سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ کیا خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبی کے ساتھ آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. سلامت رہیے. نماز کس طرح آپ گفتگو بھی اس حوالے سے فرما رہی تھیں, کس طرح ہمیں نظم و ضبط کا پابند بناتی ہے, عادی بناتی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, پورا نظام نظم و ضبط کے تحت چلا رہا ہے. جیسے کہ سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا, اپنے وقت پر غروب ہونا, چاند کا اپنے وقت پہ گھٹنا بڑھنا جی. موسموں کا اپنے وقت پہ تبدیل ہونا, اور سمندروں کی لہروں کا اپنی حد پر آ کر واپس چلے جانا. دیکھیے ندا, اگر ایک سیارہ دوسرے سیارے میں داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بھی نظم و ضبط کو قائم کرنے کی تلقین فرمائی ہے. دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں, پانچ وقت کی عبادت کے
साथ पढ़ते हैं, पांचों वक्त के साथ पढ़ते हैं। और फिर देखिए ना, मस्जिद जाते हैं तो नज़्म व ज़ब्त को किस तरह बरकरार रखते हैं। इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो अफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त दस्तरखान लगता है, सास ससुर बैठते हैं, माँ बाप बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, शौहर बैठते हैं, नज़्म व ज़ब्त के तहत हम अफ्तार के वक्त अफ्तार करते हैं और सहरी के वक्त सहरी करते हैं। इसी तरह देखिए निदा, हज के मौके पर तमाम मुसलमान एक ही दिन एक ही लिबास पहने, एक ही तलबिया पढ़ते हुए मसावात की लड़ियों में पिरोए हुए नज़र आते हैं कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुशू खुजू के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है पाँचों टाइम की, तो नमाज आसमानों में पहुँचाई जाती है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों में रोशनी होती है। और नमाज फरमाया जाता है कि जिस तरह निदा आती है कि जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की, अल्लाह तेरी भी हिफाजत करे। और जब बंदा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ता, खुशू खुजू के साथ, दिल की अथाह गहराइयों के साथ नमाज नहीं पढ़ता, नमाज आसमानों में पहुंचाई जाती है तो आसमानों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। और फिर निदा आती है कि जिस तरह तूने मुझे जाया किया, अल्लाह तुझे जाया करते। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मुझे किसी बड़े अमल का हुक्म दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम वक्त की पाबंदी के साथ, खुशू खुजू के साथ पांच वक्त की नमाज अदा करो, ये दुनिया में नूर और आखरत में तुम्हारे लिए जखीरा है। देखिए निदा, जब आपने नज़्म व ज़ब्त की बात की तो हम मज़हब पे भी नज़्म व ज़ब्त को लागू रखते हैं, लेकिन अगर यही नज़्म व ज़ब्त हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो जाए तो हमारे माहौल में खुशगवारी पैदा होगी और तरक्कियाँ जो हैं, कामयाबियाँ, कामरानियाँ हमारा इस्तकबाल करेंगे। क्या बात है, इसी पैगाम के साथ एक ब्रेक पे जा रहे हैं। अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माहे रमजान और खवातीन, ये जरा नाचीज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और जनाब हमारे साथ आपके पसंदीदा स्कॉलर डॉक्टर इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा, डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा और हमारे पसंदीदा माशाल्लाह सीनियर सनाख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा सहर आजम। मैं आपकी समझाऊंगी। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि बाजमात नमाज की अदाई किस तरह मुसलमानों में उखुवत और एक यानी भाईचारे का मिल के नमाज अदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, किस तरह से आप इस पर रोशनी डालेंगे? शुक्रिया निदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वरकऊ मा राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी बाजमात नमाज अदा करो। बाजमात नमाज में क्या होता है, आप गौर करें, एक अजान की खूबसूरत आवाज़ आती है, गोया एक ऐसी, आप रूटीन में देखें तो किसी जगह डिसिप्लिन के लिए, कहीं खेलों के मैदान में एक विसल बजती है तो सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो एक इधर अजान की खूबसूरत आवाज़, अल्लाह अकबर की सदा, और नमाजी घरों से निकल खड़े होते हैं, जौक दर जौक मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो उस एक आवाज पर, मरकज पर उन्हें जमा किया जा रहा है। सुभानअल्लाह। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा निज़ाम हमें अता किया खूबसूरत, पांच वक्त की नमाज अपनी मस्जिद जो करीबी हो, जुम्मे की नमाज उससे बड़ा इज्तमा होता है, ईदैन का इज्तमा उससे बड़ा होता है जहाँ मुसलमान सफ़े बनाकर खड़े होते हैं, और हज का इज्तमा तो आलमगीर एक पैगाम देता है, अखुवत का, इत्तहाद का, प्यार का, मोहब्बत का। तो पाकीज़ा मरकज पर पाकीज़ा लोग जमा हो गए, अब पाकीज़ा इज्तमा है, ये जुएबाजों का नहीं, ये शराबियों का नहीं, ये किसी और कुमार खाने का नहीं, ये इज्तमा है मुसलमानों का, अहले ईमान का, अल्लाह को मानने वाले, इबादुर रहमान का। एक दूसरे से वाकफियत, एक दूसरे से जान पहचान होती है, एक दूसरे को देखते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, दिन में पांच वक्त इकट्ठे होते हैं, कोई फटे पुराने कपड़ों में आता है तो अहले नज़र देख लेते हैं कि कहाँ हमारी ज़रूरत है पहुँचने की, हमदर्दी, गमगुसारी, प्यार, मोहब्बत बढ़ता चला जाता है, कोई हाजिर नहीं होता तो पूछा जाता है, बीमार की आदत को जाया जाता है, इसीलिए तो एक ऐसा निज़ाम अता कर दिया। फिर आप गौर करें तो बामकसद है इज्तिमा, सारे के सारे सजदा रेज होकर उस अल्लाह को मनाने लगे हुए हैं, उस अल्लाह को राजी करने लगे हुए हैं। तो यही मकसद जब हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में रच बस जाता है तो हमारा हर अमल इबादत बन जाता है। उस नमाज ने हमें सिखाया कि अपनी हम हर अमल को कैसे इबादत बना दें, जब हर जगह अल्लाह की रजा ही मतलूब हो जाती है। फिर ये जहन में रखें,
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो एक इत्तेहाद का मुजाहरा रंग नस्ल जुबान से बालातर होकर, तो एक खूबत मोहब्बत और इत्तेहाद का सबक देता हुआ जिससे मुसलमान का जिस्म वाहिद की मानिंद हो जाते हैं। एक हिस्से को तकलीफ हो तो सारा जिस्म दुखता है। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैं आपकी समझाऊंगी। और डॉक्टर साहबा, अब ये जो इबादतों का माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह माहौल बन जाता है, तो यानी माह रमजान के आया, हर चेहरा खिल गया, बच्चे भी के तरावी के लिए कब जाना है, तो फर्ज नमाज बाजमात अदाई हो रही है, क्या खूबसूरत मंजर कशी फरमाई है डॉक्टर साहबा ने। इबादतों का जो माहौल है, नमाज की जो आदत पड़ गई है, अब किस तरह से थ्रू आउट द ईयर इसको जो है वो कंटिन्यू करना है इस आदत को? देखिए निदा, जब बंदा अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह इतना खुश होता है कि क़यामत तक उसके लिए खुशनूदी लिख देता है। और जब बंदा अल्लाह की नाराज़गी का कोई काम करता है तो अल्लाह इतना नाराज़ होता है कि क़यामत तक उसके लिए नाराज़गी लिख देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा फ़र्ज़ इबादात के ज़रिए, नेकियों के ज़रिए मेरा कुर्ब चाहता है तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, उसका आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है। और फिर देखिए, अगर वो कोई सवाल करता है तो मैं उसको अता करता हूँ, अगर वो पनाह मांगता है तो मैं उसको पनाह देता हूँ। ये तजदीद अहद का भी महीना है। देखिए, हमारे बुज़ुर्गों का भी फ़र्ज़ है कि बच्चों को दिखाएं कि नमाज सिर्फ इसी महीने नहीं पढ़नी है, आइंदा भी अपने आप को नमाज की आदि बनाएं। कुरान एक ऐसा नूर है जो दिलों के जंग दूर कर देता है। रोज़ रमज़ान मुबारक में हर घर में से कुरान पाक से मोहब्बत की जाती है और रोज़ सिपारे पढ़े जाते हैं, लोग कुरान इतने कुरान पढ़ लेते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी भी कि एक तो जब हम कुरान पढ़ें तो बच्चों को भी अपने साथ बिठाएँ, उनको नमाज के आदि के साथ साथ कुरान का भी आदि बनाएँ और कह दें कि ये अल्लाह का अब्दी हिदायतनामा है, इस मुबारक महीने में पढ़ रहे हो तो आइंदा भी इस किताब को खोले रखना ताकि हमारी इस्लाह हो। क्योंकि देखिए, कुरान मजीद है, नमाज है, जितनी भी इबादतें हैं वो सब हमें आमाले सालेह की तरफ रागिब करती हैं और गुनाहों, बुराइयों, बेशर्मी के कामों से अलहदा हटाती हैं। इन्हें कहती है कि इनसे दूर रहो वरना तुम दोजख में जाओगे या तुम्हें अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तो हम आज भी अपने दिल की इस्लाह कर लें, अपनी सोच की इस्लाह कर लें, अपने ख्यालात की इस्लाह कर लें और अल्लाह से अपने लिए भी हिदायत मांगें, अब कुल आलम इस्लाम के लिए भी हिदायत मांगें, अपने अहले खाना के लिए भी हिदायत मांगें कि अल्लाह जो नेक काम हम कर रहे हैं, ये नेकियों का महीना है, ये हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है, तो आइंदा भी ये नेक काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। और अल्लाह की दौलतों में सबसे अजीम दौलत सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह तो हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा और ये तौफीक अता फरमा। अल्लाह की तौफीक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, कोई काम हम अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं कर सकते कि जिन बुराइयों से हम दूर हैं, जिन गुनाहों से हमने इस महीने में तौबा की है, अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा भी ये अज़्म करें कि हम कोई गुनाह नहीं करेंगे और अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। जिसे तू हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। बेशक बेशक, क्या बात है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहिबा आपकी, डॉक्टर इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा आपकी, मोहतरमा सहार आजम आपकी, और आपकी खूबसूरत आवाज़ पर ही हम प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम करेंगे। लेकिन चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पेशे नज़र रहे, पेशे निगाह रहे, याद रहे जनाब के नमाज और रोज़ा बरोज़े महशर हमारी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिफारिश करने वाले हैं और ये मनसब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। तो उसकी हिफाजत कीजिए, नमाजों की मुहाफ़िज़त का अहतमाम कीजिए, कोशिश कीजिए कि नमाज़ें खुशू और खुदू के साथ अदा की जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला, जैसे कि बारहा इसका जिक्र आज भी हुआ है और हम करते रहते हैं दीगर प्रोग्राम में भी, कि फरमाने रबी जो रब्बानी जो है कि वकीम सलात अली ज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। तो जनाब, आप अल्लाह को याद करें तो वो भी अपनी रहमत के साथ मुतवज्जो होता है। तो उसकी रहमत जिसे चाहिए वो उसे याद करें। अल्लाह तबारक व ताला आप सब पे अपनी रहमतों को तमाम फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है,
खैर बड़ा हो तो सवाली भी कड़ा सजता है। और ऐसा कहो तो लाजिम है तो फिर बोल बड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवारी भी खड़ा सजता है। और सरवरे दी के मुसल्ले पे खुदा जानता है। सरवरे दी के मुसल्ले अस्हाब के सिद्दीक खड़ा सजता।